हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे कि हम ऑटोकैड में बनाई हुई किसी भी स्केच या ड्राइंग को सॉलिडवर्क्स में किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं और उसे 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक ऑटोकैड में बनी हुई डिटेल 2D ड्राइंग है, जिसमें मेरे पास टॉप और फ्रंट दो व्यू है और ये ड्राइंग मेरे पास TWG फॉर्मेट में है। और इसे हम सॉलिड वर्क्स में ओपन करने से पहले इसकी ऑटोकैड में यूनिट चेक करेंगे। सो यूनिट के लिए हम टाइप करेंगे UN और एंटर। सो यहाँ पे आप इसके आपका यूनिट है जो मिलीमीटर में है, आप अपने अकॉर्डिंग इंचिस में सेंटीमीटर में इसके यूनिट सेट कर सकते हो। सो मुझे मिलीमीटर में रिक्वायर्ड है, मिलीमीटर में ओके करूँगा। हम जाएंगे सॉलिड वर्क्स में, यहाँ से हम जाएंगे ओपन पे, जहां भी आपने फाइल सेव करके रखी होगी वहां से हम इसे सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर लेंगे। सो यहाँ पे आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें आपके यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है DXF और DWG इंपोर्ट। अगर आपके पास किसी भी CAD सॉफ्टवेयर में बनी हुई कोई भी 2D ड्राइंग है या स्केच है, सो आप इसी तरह से उसे सॉलिडवर्क्स में इंपोर्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ऑटोकैड में बनी हुई ही DXF या TWG फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं, आप किसी भी सॉफ्टवेयर में बनी हुई फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास पहली ऑप्शन क्रिएट न्यू सॉलिडवर्क्स ड्राइंग कन्वर्ट टू सॉलिडवर्क्स एंटिटी, और बिल्कुल इसके नीचे हमारे पास दूसरी ऑप्शन है जो कि हमारे पास है इंपोर्ट टू ए न्यू पार्ट एज ए 2D स्केच 3D कर्व और मॉडल। सो अगर आप पहली ऑप्शन से स्केच को इंपोर्ट करोगे तो जो भी आपका स्केच होगा वो डायरेक्ट आपके ऑटोकैड सॉलिडवर्क्स के ड्राइंग फॉर्मेट में इंपोर्ट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे आइकॉन भी आपको शो हो रहा होगा, अगर आप पहली ऑप्शन से कंटिन्यू करोगे, अगर आप दूसरी ऑप्शन से कंटिन्यू करोगे तो आपका स्केच होगा उस डायरेक्ट आपके सॉलिडवर्क्स के पार्ट मॉडलिंग में ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पे हम आपको दोनों तरह से इंपोर्ट करके बताएंगे। हम पहली ऑप्शन से कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे हम आपके पास जो अगली विंडो होगी हम इसे एज इट इज नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस शो हो रही होगी आपको स्क्रीन पे, आपको ये जैसे कि डाटा यूनिट्स, पेपर साइज, ड्राइंग शीट स्केल और ज्योमेट्री पोजीशंस। बेसिकली जो ये आपके पास ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे शो हो रही है, ये आपकी जो ऑप्शंस है ये ड्राइंग शीट की है, ना कि हमारे ड्राइंग स्केच की। जिस शीट पे आपका ये स्केच इंपोर्ट होगा ये बेसिकली उसके पैरामीटर है। अगर हमें लेआउट वगैरह करना होगा तो हम इस पैरामीटर को चेंज करेंगे अपने अकॉर्डिंग। आप मिलीमीटर में शीट साइज रख सकते हो, पेपर आप A4 सिलेक्ट कर सकते हो, और ड्राइंग शीट स्केल और ज्योमेट्री पोजीशन अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो अगर आप हमें लेआउट करना है। हमें तो यहाँ पे स्केच को इम्पोर्ट करना है और उसे 3D में कन्वर्ट करना है। सो इसे हम एज इट इज रहने देंगे और इसे फिनिश कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्केच है, जो हमारी ड्राइंग है, वो सीधा हमें सॉलिडवर्क्स के ड्राइंग फॉर्मेट में आपके पास इंपोर्ट हो चुकी है। सो आपको पता ही चल गया होगा, हम दूसरी ऑप्शन पे जाएंगे, दूसरी ऑप्शन से आपको इंपोर्ट करके बताएंगे। सो यहाँ से हम इसे ओपन करेंगे। सो हम अब जाएंगे इम्पोर्ट टू न्यू पार्ट। सो मेरे पास यहाँ पे एक 2D स्केच है, सो मैं 2D स्केच से कंटिन्यू करूंगा। अगर यहाँ से मैं नेक्स्ट कर दूंगा इसे 2D स्केच सेलेक्ट करके। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है यूनिट ऑफ इंपोर्ट डाटा। सो यहाँ पे जो यूनिट है वो हमारी ड्राइंग स्केच की है, ना कि किसी और चीज की। अगर आप यहाँ से इसे इंचेस कर दोगे तो आपका जो ड्राइंग या स्केच होगा वो इंचेस में इंपोर्ट हो जाएगा। सो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेट कर सकते हो। मुझे यहाँ मिलीमीटर में जाइए, मैं मिलीमीटर में इसे ओके करके कंटिन्यू करूंगा। ओके कर देंगे और इसे नेक्स्ट कर देंगे। सो यहाँ से हमें कोई भी पैरामीटर को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, हम फिनिश कर देंगे।
तो आप देखोगे कि ये जो हमारा स्केच है ये हमारा सॉलिड वर्क्स के पार्ट मॉडलिंग में ओपन हो चुका है। अगर आपके पास कोई एक स्केच है, सिंगल स्केच है, तो आप इसे पार्ट मॉडलिंग में ओपन कर सकते हो। अगर आपके पास एक या एक से ज्यादा स्केच है तो आप उसे शीट वाली ऑप्शन में इम्पोर्ट करो, पहली ऑप्शन में इम्पोर्ट करो। हम इसे क्लोज कर देंगे। मेरे पास यहाँ पे दो स्केच है, फ्रंट और टॉप व्यू। मैं इसे शीट वाली ऑप्शन से कंटिन्यू करूंगा। इससे मैं यहाँ पे हमारे पास बेनिफिट मिल जाएगा कि हम यहाँ से इसे 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर एक से ज्यादा स्केच होगे तो हमें वहां पे बार बार इम्पोर्ट करना पड़ेगा। हम यहाँ से इसे विंडो बनाएंगे और कंट्रोल विंडो बना के यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल सी से इसे यहाँ से कॉपी करेंगे। ये आपके पास एरर आएगा, आप इसको यस कर दीजिए, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसे यस कर दें। हम यहाँ से जाएंगे फाइल पे, न्यू पे और पार्ट मॉडलिंग को ओपन करेंगे। वहां से मैंने टॉप व्यू कॉपी किया है। मैं यहाँ से टॉप प्लेन पे स्केच लूंगा और यहाँ से इसे कंट्रोल भी दबा के पेस्ट कर दूंगा। आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास स्केच पेस्ट हो गया है, बट ये हमारे पास अंडर डिफाइन है अभी। हम यहाँ से इसे मूव एंटिटी की कमांड पे जाएंगे और यहाँ से इसे विंडो बना के सारे स्केच को सिलेक्ट कर लेंगे और स्टार्ट फ्रॉम टू की ऑप्शन को ऑन रखेंगे और स्टार्ट पॉइंट से इसे पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और इसको ओरिजिन पे प्लेस कर देंगे। आप देख पा रहे हो कि ये अभी भी अंडर डिफाइंड है। उसका रीजन यहाँ पे हमारे पास ये है कि जो ऑटोकैड में बना हुआ स्केच होता है उसका फीचर अलग है और सॉलिड वर्क्स का स्केच फीचर अलग है। बेसिकली जो सॉलिड वर्क्स का स्केच है वो रिलेशन से फुली डिफाइन होता है, रिलेशन के अकॉर्डिंग चलता है। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा वो भी मैं आपको फुली डिफाइन करके बताऊंगा। ऑटोकैड का स्केच फीचर अलग है और सॉलिड वर्क्स का स्केच फीचर अलग है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो लाइन है इसे हॉरिजेंटल यहाँ पे मांग रही है और ये वाली लाइन को अगर मैं सिलेक्ट करूंगा ये वर्टिकल मांग रही है। हमें इसे कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ से सीधा जाना है टूल्स पे। टूल्स पे जाके हम जाएंगे डायमेंशंस पे, डायमेंशंस से हम जाएंगे फुली डिफाइंड स्केच। यहाँ पे हमारे पास पहली ऑप्शन है एंटिटीज टू फुली डिफाइन। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे ऑल एंटिटीज इन स्केच, जितनी भी स्केच में लाइन है हम सभी को, हमें सारी की सारी फुली डिफाइन चाहिए। हम ऑल एंट्री स्केच पे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हम रिलेशंस को ऑन रखेंगे क्योंकि बिना रिलेशन के हमारा स्केच फुली डिफाइन होगा नहीं। और नीचे जाएंगे हम डायमेंशंस को भी यहाँ पे ऑन रखेंगे क्योंकि मुझे डायमेंशंस भी स्केच की चाहिए। और इसके नीचे हमारे पास है डायमेंशंस प्लेसमेंट्स, ये आप अपनी सेटिंग्स के अकॉर्डिंग डायमेंशन प्लेसमेंट सेट कर सकते हो। हम यहाँ से इसे ओके करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सारी डिमेंशंस आ गई हैं स्केच की और रिलेशंस भी आ गए हैं। और यहाँ पे आप देखोगे कि जो आपका स्केच है वो भी फुली डिफाइन हो गया है। आप अपने अकॉर्डिंग इस साइज को बाद में चेंज भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। इसी तरह से आप दूसरा स्केच भी कॉपी करेंगे। हम यहाँ से विंडो में जाएंगे, विंडो से जाएंगे शीट पे और शीट से हम यहाँ पे फ्रंट व्यू को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से यहाँ से इसे पेस्ट करेंगे, कॉपी करेंगे सॉरी। कॉपी करने के बाद हम यहाँ से इसे जाएंगे विंडो पे, विंडो पे जाके पार्ट में जाएंगे और पार्ट से फ्रंट व्यू पे, फ्रंट प्लेन पे स्केच लेंगे और इसे नॉर्मल टू करेंगे। और नॉर्मल टू करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल वी से यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम इसे मूव एंटिटी से ओरिजिन पे प्लेस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि मूव एंटिटीज के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी। हम यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे। मेक श्योर कि जो आपका रेफरेंस पॉइंट हो वो आपकी लाइन के साथ या कहीं भी
कॉन्सिडेंट होना चाहिए, यानी कि रेफरेंस होना चाहिए। सो मैं इससे मुझे कॉन्सिडेंट रिक्वायरमेंट मैं इस दोनों लाइन के साथ इसे कॉन्सिडेंट कर दूंगा। और यहाँ से मैं जाऊंगा मूव एंटिटी पे, फिर से इसे सिलेक्ट करूंगा और फ्रॉम टू यहाँ से पॉइंट उठाऊंगा और इसे मैं ओरिजिन पे प्लेस करूंगा। यहाँ पे ओरिजिन पे मैं इसे यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। और यहाँ अगर हम दोबारा से यहाँ पे जाएंगे टूल, टूल से जाएंगे डायमेंशन, डायमेंशन से फुली डायमेंशन स्केच और इसे ओके कर देंगे। सो यहाँ पे आप देखोगे स्केच फुली डिफाइन हो गया, लेकिन हमारे पास डायमेंशन बहुत सारी आ गई हैं। सो ये डायमेंशन सॉलिडवर्क्स ने बाय डिफॉल्ट अपनी सेटिंग के अकॉर्डिंग उठा ली है। आप इसे भी सेटिंग कर सकते हो, और अगर आप इसके स्केच को ड्राइंग के साथ चेक करोगे तो ये आपके डायमेंशन बिल्कुल ओके होंगी। सो अब हम इसे दोनों के दोनों स्केच मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए हैं। सो मैं इस स्केच को क्लोज करूंगा और इसे 3D में कन्वर्ट करूंगा। सो 3D में कन्वर्ट करने के लिए मैं सबसे पहले स्केच को सिलेक्ट कर लूंगा और एक्सट्रूड पे जाऊंगा, और एक्सट्रूड से यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा इस पोर्शन को, और यहाँ से मिड प्लेन पे जाके यहाँ पे मैं 42 डायमेंशन और इसे ओके कर दूंगा। अगेन मैं दोबारा से स्केच को शेयर कर लूंगा, सिलेक्ट करूंगा और एक्सट्रूड पे जाऊंगा, और फिर से जिस जो हिस्सा मैंने एक्सट्रूड करना है उसे सिलेक्ट करूंगा, मिड प्लेन करूंगा और यहाँ पे मैं डायमेंशन दूंगा 13 और इसे ओके करूंगा। और अगेन मैं उसी स्केच को शेयर कर लूंगा और यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा, और फिर से इसे मिड प्लेन पे जाके डायमेंशन और इसे ओके कर देंगे। और अब मैं फ्रंट प्लेन पे स्केच ऑन करूंगा, इसे नॉर्मल टू करूंगा और कन्वर्ट एंटिटी की कमांड से ये लाइन को यहाँ से कन्वर्ट एंटिटी कर लेंगे, एक्स्ट्रा लाइन को ट्रिम कर देंगे, फीचर में जाएंगे, फीचर से एक्सट्रूड पे जाएंगे, एक्सट्रूड कट पे जाएंगे सॉरी, और यहाँ से इसे मैं मिड प्लेन करूंगा और इसे यहाँ से कट कर दूंगा। सो स्केच को मैं कर दूंगा हाइड, और ये यहाँ पे हमारे पास 3D मॉडल या 3D डिजाइन हमारा बन गया है। सो आप इसी तरह से किसी भी स्केच को जो आपके पास ऑटोकैड या किसी भी कैड सॉफ्टवेयर में पहले से बना हुआ है उसे सॉलिडवर्क्स में इंपोर्ट कर सकते हो और उसे 3D में कन्वर्ट कर सकते हो। और यहाँ से हम इसे चेक कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे डायमेंशन चेक करके बताऊं कि ये मेरे पास फोर्क का साइज 75 है और जो मेरे पास अंदर कट है उसका साइज 55 है। सो मैं आपको चेक करके बताता हूँ, विंडो पे जाऊंगा, पार्ट पे जाऊंगा, इसे नॉर्मल टू करूंगा, मेजर में जाऊंगा और यहाँ से आप चेक करेंगे इसका साइज। सो ये मेरे पास 75 है और ये मेरे पास 55 है। सो आप इसी तरह से किसी भी स्केच को इंपोर्ट कर सकते हैं और उसे 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली मैंने आपको डिटेल में समझाया, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया है, लेकिन अगर आप स्केच को इंपोर्ट करके बनाएंगे सो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप दोनों में से किसी भी ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो, चाहे वो आपका आप डायरेक्ट उसको पार्ट मॉडलिंग में ओपन कर सकते हो और उसे शीट में भी ओपन कर सकते हो। बस इसमें डिफरेंट ये है कि अगर आपके पास एक स्केच है तो आप उसे पार्ट मॉडलिंग में ओपन कीजिए, अगर आपके पास बहुत सारे स्केच है या बहुत सारे व्यू हैं तो उसे आप ड्राइंग में ओपन कीजिए। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और ट्यूटोरियल्स के लिए।